हमारे दोस्त हेमंत विश्व शर्मा बांग्लादेश से आए हैं तो उनको थोड़ा मुंह होते रहता है, आया तो कहेंगे बांग्लादेशी है तो पाकिस्तानी है तो आतंकवादी है तो फलाना है, यही ना कहेंगे। अगर वो आज चले जाए भारतीय जनता पार्टी में तो वो राम राज वाले हो जाए। बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, अब पता नहीं किसी ने क्या कहा, हालांकि हमारे साथ वो स्पोर्ट्स में बैडमिंटन एसोसिएशन में हमारे वो अध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। कांग्रेस में थे तो उनकी बोली अलग थी और अब जब भाजपा में गए हैं तब बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को डर लगता है कि कहीं हमको हटा ना दें, तो उससे बचने के लिए जो है वो नया नया नारा गढ़ते रहते हैं। अरे भाई तुम सरकार में हो ना, हम तो चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को, कि अगर बांग्लादेशी लोग हैं यहाँ तो निकालो, उसका लिस्ट जारी करो, सर्वे करो, मगर बस प्रेस में बोल देना बांग्लादेशी घुसपैठी है। अब एक आदमी यहीं का किसी ने कहा कि शायद हमारे दोस्त हेमंत विश्व शर्मा बांग्लादेश से आए हैं तो उनको थोड़ा मुंह होते रहता है, पता नहीं क्या है। हम तो जानते हैं कि वो इंडियन है, हम तो जानते हैं कि साहब आसाम के रहने वाले हैं, मगर राजनीति मुद्दों पर होती है ना, कि घृणा पर अद्वेष पे होती है। और अगर है तो इतने दिन से सूते हुए थे, इतने दिन से राज कर रहे हो, तो चुनाव का टाइम आया तो कहेंगे बांग्लादेशी है तो पाकिस्तानी है तो आतंकवादी है तो फलाना है, यही ना कहेंगे। मगर उनका पोल खुल चुका है कि साहब वो उनका राष्ट्रहित में राष्ट्रभक्ति में उनका बहुत रोल नहीं है, बस। और आगे पूछिए, देखिए अभी जिन मुद्दों पर हम आए हैं उन मुद्दों पर हम लोगों ने कहाँ विरोध किया है, हमारी पार्टी ने विरोध किया है क्या, जरा बता दीजिए। कांग्रेस के बयान का बात असल है कि उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, तो उनसे सफाई मांगी। मगर हमारा तो स्टैंड है, हमारा स्टैंड साफ साफ है कि जो संविधान की शपथ हम कहते हैं उसको हम मरते दम तक निभाएंगे। आए एक मिनट, और जो लोग संविधान, अरे जो लोग संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं तो वो कैसे राष्ट्रीय हुए, सवाल हम तो उठा सकते हैं। अगर हम ही संविधान के विरुद्ध आचरण करें तो हम पर सवाल उठेगा ना। तो उसी तरह जब यहाँ ये मुल्क जो है सार्वभौम है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, तो इस पर जो सवाल उठाता है तो उसका आचरण संविधान के प्रतिकूल है कि नहीं है।